अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं और आपी मींस मेरी भाभी हम आए हुए कपड़े डालने। प्रोफेशनल व्लॉगर्स ये देखें, ये प्रोफेशनल व्लॉगर है हमारी, ठीक है। और वहाँ पे हम सूरज की पिक्चर खींच खींच के पागल हो रहे हैं, यहाँ पे सूरज नज़र नहीं आ रहा। ये, कर रहा। यस। ये देखो फेस फेस रिवील नहीं हुआ, लेकिन मैं फेस रिवील करूँगा अगर आप इनके चैनल पे कितने आप ही कितने मिलियन हो ही ना जाए हैं आप ही कितने मिलियन 1 मिलियन चलो 1000 मिलियन आप इनके चैनल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब और मैं मीरा फिरोज के चैनल पे क्या कर रहा हूँ ये तो मुझे खुद नहीं पता। और मीरा फिरोज किधर है? ये रही। अच्छा, हम कपड़े डालने आए हुए हैं आज। आज का मैं आपका आज की व्लॉगिंग करता हूँ। तो हम आए हुए थे कपड़े डालने छत पे, लेकिन हम वो सूरज की पिक्चर्स वगैरह लेने सूरज के हाँ उसकी पिक्चर्स वगैरह लेने लग गए। अभी हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही मतलब मुझे ज़बरदस्ती नीचे लेके जा रही हैं कि नीचे चलो, मैंने जाके तैयार होना है। और आज मेरे ख्याल से शब इमराज है ना, पता नहीं, आप ही आगे आगे भागी जा रही हैं और मैं उनके पीछे पीछे उनका कैमरा संभालते हुए आ रहा हूँ। और आज का पूरा पूरा व्लॉग बनाएंगे। यस, गिरते गिरते हम पहुंच गए हैं नीचे और मैंने मामा की चप्पल पहनी हुई है। यस, आप ही आपने अपने कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? सही है यार, बंद कर दे। मैं आपका कमरा भी रिवील कर रहा हूँ साथ साथ। नहीं, ये बहुत तेज हो रहा है। ही लड़कियों वाला कवर आ गया बीच में, देखो ना इतनी अच्छी पर्सनैलिटी कोई लड़कियों वाला कवर खराब कर रहा है। यस, बॉडी बिल्डर बना रही हूँ, मेरा दिल कर रहा था चिप्स खाने को। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैं सोचा चिप्स बनाती हूँ और साथ खाना बन रहा है। और सबको मैंने बना कर दी सिंपल फ्राइज़, और मुझे पसंद नहीं है बेसन वाली फ्राइज़। साथ बेसन लगा के थोड़ा सा मसाला लगा कर फिर मैंने फ्राई की और फिर मैंने खाई केचप के साथ। आपको पता ही है कि आज है शबे मिराज, तो फिर मैंने इबादत की और ये देखें उसके बाद तस्बीह वगैरह पढ़ी, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी सबके लिए, सबकी परेशानियाँ मुश्किलें आसान करें। और आपको पता ही है नेक्स्ट डे इलेक्शन है, तो आपको पता है कि इसके लिए दुआ मांग रहे हैं हम, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और सबकी मुश्किलों का आसान करे। और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, जा नमाज उठाया सबसे पहले, और उसके बाद हम लोगों ने इसको तय वगैरह किया और फिर हम लोगों ने इसको कबर्ड के अंदर रखा। फिर मैंने अपना रूम वगैरह ठीक किया। रूम ठीक करने के बाद आप ये मुझे देख सकते हैं कैमरे में और अब मुझे आ रही थी फुल नींद और मैं फिर भी नहीं सोई। और फिर मैं खा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद मसर चावल बनाए थे और अब मसर चावल खाएंगे। दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट, सातीरे वाले चावल हैं और मसर है। हम आ गए हैं फाइनली वोट देने के लिए। देखें यहाँ पे पीटीए के नारे लग रहे हैं और मेरा बना है DHM में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ है। अब हम जाते हैं और मैं तैयब को मोबाइल लेकर जा रही हूँ अंदर। और चलो तैयब अंदर तो चले ना, जब तक पास पास तो आना, मुझे साथ में सीट होगी। नहीं नहीं, देखते हैं हमने वोट किसको देना है। वैसे तो मुझे पता है मैंने किसको देना है वोट, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं वोट देने के लिए। तैयब का वोट बिल्कुल नहीं बना, 2 साल बाद बनेगा। मैं तैयब थोड़ा उधर से नहीं आगे, अरे मतलब उस साइड से आता तो उस पास नहीं बढ़ता था हम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, फिलहाल अभी हम वोट डालने आए हुए थे, हम नहीं बल्कि ये आई हुई थी, ठीक है। तो मुझे ज़बरदस्ती सोए को उठा के ले आई, अब जाहिर सी बात है मुझे आना पड़ेगा, मुझे ड्राइवर बनाया हुआ इन्होंने। तो हाँ, वोट अभी डाल आई हैं, पता नहीं किसको डाल के आई हैं। ये सिगरेट है। अच्छा चलो बैठो, बड़ी धूप लग रही है। ये देखें तो ये मुझे उड़ाता हुआ लेके जा रहा है, हमने वोट डाल के वापस जा रहे हैं घर को। और देखे जरा, तो ये अपने हेलमेट साइड पे रख दिया उतार के और वही अब मुझे उड़ाता हुआ लेके जा रहा है। और मेरा सबसे दूर बना है, मेरी फैमिली में से सबका पास पास बना है और मेरा मुझे सबसे दूर कहा है कि शायद ये जाएगी नहीं, पर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। देखे जरा, तो
फाइनली हम घर पहुंच गए हैं वोट डाल के, तो ये मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। अब हम बेल दे रहे हैं क्योंकि दरवाज़ा खोल नहीं रहे। और उसके बाद हम लोगों ने बनाई शाम को कढ़ी, और मम्मा बना रही थी कढ़ी। मम्मा ने कहा तुम देखो मैं बाकी पकौड़ों वगैरह का सामान बना लूँ, तो फिर ये मैंने उसको हिलाया हिलाया अच्छे से, ये देखें बॉयल हो रही थी, और मैंने कहा साथ में इसकी अकॉर्डिंग वगैरह कर लेती हूँ। और फिर ये देखें पकौड़ों का मसाला बन चुका हुआ था, इसमें बेसन और आलू और पता नहीं क्या क्या प्याज वगैरह था। उसके बाद ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, फिर उसके बाद ये मैंने इसके अंदर डाला। अभी सही से शायद ऑयल गर्म नहीं हुआ था, नहीं हो गया है। और फिर हम लोगों ने बनाए पकौड़े, और अब तो पकौड़े रोज़ ही बना करेंगे नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि अब आपको पता है रमज़ान आ रहा है और ये तो सबके फेवरेट। और ये देखें यहाँ पे मसाला पकोड़े, और साथ साथ ये देखें जो कढ़ी में पकोड़े डाल चुके हैं, जो कढ़ी बन चुकी है उसके अंदर पकोड़े डाले, और उसके बाद ये मम्मा ने तड़का लगाया और पकोड़े इसके अंदर। कढ़ी बहुत मज़ेदार लग रही थी, और फिर मैंने सोचा कि गैस जाने से पहले पहले रोटियां बना ली जाएं, और सबसे पहले फिर मैंने आटा गूंदा, और फिर मैंने सबके लिए रोटी बनाई, और गैस भी स्लो हो गई थी शुक्र है, पर कढ़ी बन गई हुई थी। और ये देखें ये है कढ़ी की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। फिर हम लोगों ने इसको खाया रोटी के साथ, और उसके साथ साथ मामा ने बनाई थी चावलों की पिन्नियाँ, और ये मामा ने पैक कर दी हुई थी, ये घर के लिए थी वाइट वाली, और ये बाकी जो देने के लिए थी मामा वगैरह को आसपास सबको, जो मामा के फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको और फैमिलीज़ को। और ये देखें फिर से कढ़ी की तरफ मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे कढ़ी बहुत मज़े की लग रही थी। फिर मैंने और फिर मैं यार तैयब आ गए मामा की तरफ कढ़ी देने और पिनिया देने के लिए, और फिर मामा ने हमारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया, और फिर हम सब सिस्टर्स ने और मामा वगैरह ने हम सब ने खाना खाया, और उसके और सिस्टर ने हमारे लिए बहुत मज़े की चाय बनाई, और फिर हमने चाय पी बहुत इंजॉय किया, लूडो वगैरह खेली। और अब हम करते हैं यहाँ पर व्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़।